मित्रों, शूर्पणखा को कौन नहीं जानता। आम जनमानस में उनकी छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी महिला जिसने राम लक्ष्मण से प्यार का इजहार किया, लेकिन दोनों के ठुकरा देने के बाद युद्ध की स्थिति बनी, अंत में अपने ही कुल के नाश का कारण बनी। लेकिन इसके बावजूद वो कृष्ण की पत्नी बनी, उसका उद्धार हुआ। बड़े बड़े आर्ष मुनि कठोर तप के बाद भी ये सुख हासिल नहीं कर पाते जो शूर्पणखा को ये आशीर्वाद मिला। शूर्पणखा को न सिर्फ श्रीराम से बात करने का सौभाग्य मिला, बल्कि लक्ष्मण तथा माता सीता के दर्शन भी किए। दरअसल इन सब का मर्म शूर्पणखा के पूर्व जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पूंजिकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती होती थी। कथा के मुताबिक इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय ये नयनतारा नृत्य करते समय आंखों भी बहुत सुंदर इशारे किया करती थी और आंखें भी बहुत सुंदर थीं, जिसके कारण इंद्र उस पर मोहित हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। उस काल में पृथ्वी पर वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने नयनतारा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग दी। शूर्पणखा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म लिया। उसने मन में ठान लिया था कि वो प्रभु को प्राप्त करके रहेगी। यहीं उसने बड़ी गलती की। भगवान राम को देखते ही उन्हें पाने की इच्छा जाहिर कर दी। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है, जो भक्ति और वैराग्य के सहारे ही संपूर्ण होती है। जबकि शूर्पणखा ने ऐसा नहीं किया। उसने भक्ति रूपा माता सीता तथा वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास ना जाकर सीधे ब्रह्म को पाने की कोशिश की। वो सीधे राम को हासिल कर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। अगर वो वैराग्य का आश्रय लेती तो प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन वैराग्य को नकार कर अहंकार में सीधे प्रभु के पास जाना उचित समझा। प्रभु ने शूर्पणखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा, लेकिन लक्ष्मण ने उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब राम ने कहा, मैं तो भक्ति के वश में हूं। तब शूर्पणखा सीता माता के पास गई, लेकिन वहां भी एक अपराध कर बैठी। सोचा, प्रभु इसके भक्ति के वश में है, इसलिए इसे ही खा जाऊं। अंत में लक्ष्मण ने गुस्से में आकर उनका नाक काट दिया, जिसके बाद शूर्पणखा की आंखें खुल गईं और पूर्व जन्म की याद भी आ गई। और तभी प्रभु के कार्य को पूरा कराने में उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। करीब 10,000 साल बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए, साथ ही वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब कृष्ण तुम्हारी कुबट ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहन रूप देंगे। और ऐसा ही हुआ। शूर्पणखा को अंत में अप्सरा का मोहक रूप भी मिला। वो भगवान की सहचर्या भी बनी।